नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ रविंद्र वर्मा। इस वक्त की खबर गोहाना नगर परिषद से सामने आ रही है, जहां पर आज हाउस की बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर पार्षदों ने सफाई, बिजली, आवारा पशुओं से लेकर बंदरों व प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे पर सवाल उठाए और शहर की 17 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर लिया गया और 6 कॉलोनियों पर जो है मोहर लगा दी गई और अंतिम निर्णय के लिए मुख्यालय जो है फाइल को भेज दिया गया है। गोहाना नगर परिषद के कार्यालय में आज गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी विरमाणी की अध्यक्षता में सदन की विशेष बैठक हुई। नगर परिषद गोहाना की सदन की बैठक में नगर पार्षदों ने शहर में बेसहारा पशुओं और बंदरों की समस्या से प्रमुखता से उठाया गया। पार्षदों ने कहा कि सड़कों पर बेसहारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, रात को पशु सड़कों के बीच में बैठ जाते हैं, इससे हादसे की संभावना बनी होती है और कई बार हादसे हो भी जाते हैं। पार्षदों ने कहा कि शहर में बंदरों का आतंक भी छाया हुआ है, बंदर लोगों के घरों में घुसकर उत्पात उठाते हैं, बंदर लोगों को काटते हैं और सब्जियों को भी नुकसान करते हैं। इसके साथ पार्षदों ने शहर में स्ट्रीट लाइट की कमी भी बताई गई। पार्षदों ने नई स्ट्रीट लाइट लगाने और पुरानी लाइटों को समय पर ठीक कराने की मांग की गई है। पार्षदों ने लाल डोरे के भीतर प्रॉपर्टी आईडी की शिकायत का भी जल्द समाधान करने की मांग की है। बैठक में अध्यक्षता, उपाध्यक्ष और सभी नगर पार्षद ने शहर की 17 अनियमित कॉलोनियों की नियमित करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति जताई है और 6 कॉलोनियों को जो है अप्रूव करने के लिए मुख्यालय जो है ये फाइल अब भेज दी गई है। और देख सकते हैं गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन जो है मौके पर जो है पार्षदों की बात सुनते हुए सामने नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो है जो सफाई है, बिजली है, आवारा पशुओं को और बंदरों की और प्रॉपर्टी आईडी की जो मांग है वो प्रमुखता से पार्षदों ने उठाई और लोगों की जो समस्या है उनको भी सदन में जो है पार्षदों के द्वारा चेयरपर्सन के सामने जो है उनकी आवाज़ उठाने का काम किया गया। आप देख सकते हैं गोहाना में पार्षदों के द्वारा जो है आवारा पशुओं का जो मुद्दा था उसको गहनता से उठाया गया है और अधिकारियों को कहा है कि या तो इनको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए, अन्यथा जो है कहीं ना कहीं जो है पार्षद जो है काफ़ी नाराज भी बताए गए हैं और बताया गया है कि उनकी जो समस्याएं हैं बिजली, पानी और जो सफाई व्यवस्था है उसको ले के भी सवाल उठाए गए। उसके अलावा जो है जो पीने के पानी की जो समस्या है उसको भी उठाया गया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान कर दें, अन्यथा जो है एक समस्या जो प्रॉपर्टी आईडी और जो कह सकते हैं पेंशन की बात है उसको लेकर भी पार्षद पहले इकट्ठा हुए थे, आज फिर जो है दोबारा से उन्होंने सरकार को चेतावनी देने का काम किया गया है। और आपसे अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुँचे कि गोहाना नगर परिषद की जो आज बैठक हुई थी उसमें पार्षदों के द्वारा कई सारे मुद्दे उठाने का काम किया गया है। नुकसान होना लेकिन उसको छोड़े कहाँ, दिक्कत ये आ रही है आज जो है आपने मुद्दा उठाया था गाय जो आवारा पशु हैं और बंदरों का, तो क्या आश्वासन दिया गया है, क्या ये उनको जो टेंडर कराया गया है उनको जल्दी पकड़वा लिए जाएंगे बंदर भी और आवारा पशु भी।
मेन मुद्दा हमारा है सीवरों का और पानी का। सारे शहर में हमने सारे पार्षदों ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर लिया, ये एसडीओ दलाल बाज नहीं आ रहा। जब भी इसको कोई काम कहा जा है, कर्मचारी जो फोर्थ क्लास के है ना सुपरवाइजर उल्टे सीधे बोलते हैं, इतने जो करना हो कर लिए। मैंने 5 साल हो लिए एप्लीकेशन लिखे, अभी मेरे वार्ड के नए सीवर लाके थे और इनकी सफाई करी जा, आज तक इनकी कोई सफाई नहीं की है। और गलियों में जबकि स्कूल है, बहुत अच्छे स्कूल है, गीता स्कूल है, नेहरू स्कूल है, वहाँ बच्चे बहुत अच्छा अच्छा कम से कम 5,000 की संख्या में बच्चे उन गलियों से गुजरते हैं। वो बेचारे सुबह नहा धो गया, जूते खराब हो जाए, कपड़े खराब हो जाए, ऐसी दुर्दशा है। इसमें मतलब सब डिवीजन में हमने रिटर्न में भी दे लिया और वैसे मुंजबानी भी कह लिया, मगर ये एसडीओ दलाल अपने आप की जागीर मान रहे हैं इस सब डिवीजन को, काम नहीं कर रहा। तो क्या अपील क्या करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से अपील है कि भाई मतलब सबके शिविरों को पूरे शहर की सफाई कराई जाए और ठीक सुचारू रूप से ये गंदगी को बाहर मतलब निकाला जाए शहर से। बिजली बोर्ड वाले हैं जो, वो फोरमैन है वो फोन नहीं उठाते, जेई है वो फोन नहीं उठाता, रात को 2-2 बजे 12-12 बजे लाइट 2-2 घंटे 3-3 घंटे मतलब कोई सुनाई नहीं होती। और जो काम की कब का आ, मैंने 3 साल पहले 5 ट्रांसफार मंजूर कराए थे अपनी कॉलोनी के, 3 लगे हैं, दोनों बला बला पब्लिक नहीं लगने दी। मैंने उसको जे को कहा मेरे साथ चल भाई, मैं पब्लिक से मिलूंगा, वो घुमाएगा, मैं बोला एक ऑर्डर लगा दे, एक ऑर्डर लगा दे। अब ऑटो है नहीं पा रहा, ना फोन उठा रहा, 2 ट्रांसफार्म जबकि रात ने कहीं जम्फर जल गया है, कदे फ्यूज उड़ गया है, कदे और हादसा हो जाए, ज्यादा लोड में लाइट मतलब डोरी जल जाए, बड़ा इतना हादसा हो जाए कि यानी कि 2-2 किला तक डोरी जलती चली जा रही। फायर ब्रिगेड तक हमने कई बार यहाँ बुलानी पड़ी है यहाँ से अपने वार्ड में। ये अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मान रहे हैं और एसडीओ साहब को हमने 1 हफ्ता हो गया रिटर्न में लिख के दे ली, इसकी बदली कर दिया हमने काम करने वाला जी, ये काम नहीं कर रहा। और ये जो ड्यूटी वाले हैं फोरमैन, ये किसी भी पार्षद का फोन नहीं उठाते, ना इस समय पर काम हो रहा। ठीक है जी सर, बताइए। हाँ जी, एक तो इसकी जी बिजली वाले के भी है जो तारे बिल्कुल जी नीचे आ रही हैं, हम भी फोन करते हैं और ना सुनाई होती थी खंबे भी को रहा। लाइट के बारे में जरा लाइट खराब हो जाए कड़े को एमसी नहीं सुनते, एमसी ने पूछोड़ा आओ लिखवा का आओ, जब लिखवा का आते हैं जब भी बहुत बारी आता है और कहीं आ रहा जो इसका बिल भी ये ठीक ठाक नहीं करते जे जागे सर। रही इसकी जी पर भी हाथ के अंदर कम से कम मेरे इसमें 6 वार्ड में कम से कम 8 गाड़ी ऐसी हैं, ये अर्जेंट जरा जो उसकी पानी की भी उसकी पाइप नहीं है, तो फिर इसकी श्योर की भी नहीं है ना उड़े उसकी पानी की। एक तो कह रहा है हम गाय पिलाई हैं इसके ढक्कन टूट टूटते हैं श्योर की ले रही है 18-20। फिर वो बोले यो मतलब ये डी ओ साहब दलाल बोला ये चेक करवा दो, चेक भी करवाई वो होली थी 20 दिन बिल्कुल नहीं सुने। तो इसलिए सारे का यो है मतलब जो भी पानी की और जो इसका बिजली का है और जो इसकी फैमिली आईडी में कदे तो 5 लाख हो जाओ कदे 2 हो जाओ, ये इसके बारे में भी ठीक मतलब उसकी जी उसका कमेटी के मेंबर की जो भी दे दे लिख कर दे दे उसकी जी पूरी सुनाई होनी चाहिए। आपने पीछे भी जो है इसकी मांग उठाई, हमने पीछे करने पे बैठेंगे। हाँ, उसके बाद हम सारे एमसी हो इकट्ठे, जो सारे एमसी होगा फैसला हम उनके जी मिलकर चार सब मिलकर जब है उसके बाद हम धरने पे बैठेंगे। कब तक ये फैसला लिया जाएगा? फैसला ये सारे एमसी हैं जो भी कहोगे हम जल्दी लिया जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर यो फैसला लिया जाओ। जो ये बड़े भाई हैं अपना जगदीश जी हैं और ये सारे एमसी हैं, तो ये जो कहोगे हम उनके हमारा साथ हैं। क्या मेन मुद्दे उठाए क्या? एक तो ये था जी जो अप्रूव्ड कॉलोनी है उनको अप्रूव करना, वे को बाकी रहेगी हो तो आप बताओ, इसलिए पार्षदों को भी बुला गया था। बाकी तो और को लाइट का था कुछ, और अपने जो निजी पार्षदों के थे वो विचार रख गए, ज्यादा तो ये अनप्रूव्ड कॉलोनियों का ही था। आवारा पशु 15 का तो शहर में सफाया है और हमारा ख्याल तो एक भी नहीं है कितने आड़े, तो मैंने तो कहा अगर हो तो पार्षद छोड़ दो, 5-5, 10-10 मैं तैयार हूँ, 10 बंदर 5 गाय बैल मेरे छोड़ सको, सारे पार्षद छोड़ते हो तो हूँ, तो इनके पास की बात है, इनके पास जगह नहीं है रखने को, कहीं छोड़ने को जगह नहीं है, तो कहाँ ले जाएंगे? तो अभी तो कह रहे हो है ही नहीं
मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, है नहीं जवाक लेकिन देते गए नहीं ठाण की रखने की करने की, तो ये और क्या कहूँ फिर बुरा हाल। बुरा हाल के पूछो मत, सुबह उठते हैं तो कम से कम भी मेरी मेरी गली में छोटी सी गली है बंद है, 20-30-50 किलो गोबर सुबह उठते ही देखना पड़ता है, इतना बुरा हाल है। मैं कहता हूँ पूछो मत आप, हद से भी ज्यादा इसका कोई। और ये जब से ये सरकार आई 9-10 साल हो गई, गाय 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 करके रही सरकार आई थी, वो सारी गाय नहीं हटी आज तक, गाय की सरकार है, हमारी समझ में नहीं आती कोई बात इनकी। तो कई बार पास भी कर लिया तो मुद्दा गाय को पकड़वाने के लिए, कुछ नहीं जीने का उसकी बात नहीं, इसीलिए मैंने सुझाव दिया वो 10-10 दिन गए भेज दो इसीलिए। और थोड़ा जमीन के बस की बात नहीं, कैसे साल हो गए मतलब हमने देखते देखते 8 साल हो गए, तो कैसे गुजारा होगा। पार्षद क्या नाम है? बलजीत सिंह डांगी है जी, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, आज पार्षद हमारा दिल्ली गया हुआ है। किस वार्ड से हो? 5 वार्ड से आदर्श में। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा प्रॉपर्टी आईडी का ही है कि गोहाना शहर में लाल डोरे के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है जिन लोगों की, उस प्रॉपर्टी का उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सबसे बड़ी बात, तो वो अपने नाम करवाने के लिए बहुत परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुराना रिकॉर्ड जो है उसमें जैसा कि किसी के मकान है 18 गज का, अब जो मौके पर जाकर उसका वो 80 गज का निकला है, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं नगर परिषद से कि जेई या बिल्डिंग इंस्पेक्टर किसी की जिम्मेदारी वहां पर लगा दी जाए और वहां पर जाकर उस प्रॉपर्टी का, उस एरिया की प्रॉपर्टी की पैमाइश ली जाए और जितनी पैमाइश निकले उसे उतनी दुरुस्त की जाए। उस बंदे को हाँ दिक्कतें हैं सारी, कहीं छोटा कहीं भी कोई सॉल्व नहीं हो रहा कुछ भी काम, ये प्रॉपर्टी आईडी का तो खासकर इसका बहुत बड़ा इशू है, ये लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा है ये लोगों का, और ये कहीं भी शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है और लोग बड़े परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात हमने जो ये नगर परिषद में रखी कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर या इनको जेई को इनके जिम्मेदारी लगा दें कि वहाँ पर उस एरिए का पैमाइश ली जाए और जितना एरिया जिसका निकलता है उसे दुरुस्त किया जाए। और एक और बात है कि जो लोग बाप, जिन लोगों की बाप दादा की मलकियत है वो लोग अब नहीं रहे, अब उनके बच्चे चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी अब हमारे नाम हो, उसका भी बहुत बड़ा इशू है उन लोगों के लिए। और उस प्रॉपर्टी के बारे में भी हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार, ये नगर परिषद से, कि सरकार के संज्ञान में इस बात को लाया जाए और इस बात को भी तुरंत ही तत्काल ही इसका हल निकाला जाए। क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन टांडा है, पार्षद। क्या नाम आपका? सुनील जी। जी हाँ जी, वार्ड नंबर 2 में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है जी, और वहाँ पे है ना पुरानी लाइनें हैं 1994 की चमी दबी हुई, उन पुरानी लाइनों में पानी जर्जर आया हुआ है, बिल्कुल गंदा शिवरों का पानी। मैंने काफ़ी बार एक्शन साहब को बोल दिया और एसडीओ साहब को बोल दिया, जनाब ये पाइपलाइन बदलिए, बदलवाओ हमारे, ताकि लोगों को अच्छा पानी मिल सके पीने के लिए। अब वो पानी ना ही तो नहाने के काम आ रहा है और ना ही पीने के काम आ रहा है। उसकी बैठक की क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या उसमें पास किए गए? नगर परिषद शहर के विकास के लिए अथक प्रयास कर रही है और उनके प्रयास से विकास हो भी रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ में सरकार की सैंक्शन लेनी होती है, उनकी सैंक्शन के बिना उन कामों की गति धीमी पड़ जाती है। गोहाना में ऐसी 16-17 कॉलोनी हैं जो अनअप्रूव्ड है, जिस पर हम काम नहीं करा सकते, लेकिन नगर परिषद ने सर्वे किया है, ऐसी 6 कॉलोनियों को अप्रूव्ड साबित किया है, वो हम हाउस की मीटिंग में इसको रखेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सभी कॉलोनियों का प्रस्ताव वहाँ पास करें ताकि सरकार की सैंक्शन से हमें मंजूरी मिले और हम इस पर काम करवा सकें। इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे रहे कि आवारा पशुओं का और बंदरों का भी मुद्दा? आवारा पशुओं के लिए पार्षद ने बताया, क्योंकि मैं एग्री भी हूँ, जो चीज़ें विजिबल हो रही हैं, परिषद उस काम को कर भी रही है, पशुओं को पकड़ने का काम शुरू हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में जब कोई काम किसी चीज़ को पकड़ा जाता है तो अभी भी वो मतलब विजिबल हो रहे हैं, नुकसान भी पहुँचा रहे हैं लोगों को, तो हमारी कोशिश यही रहेगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम इस समस्या को जल्दी दूर कर देंगे। प्रॉपर्टी आईडी पर भी बात आई थी, प्रॉपर्टी आईडी के लिए बोला कि ये काम हमारी परिषद का है, लेकिन लोगों ने जो बताया लाल डोरे की समस्या है और रजिस्ट्री का काम तहसील करेगी। प्रॉपर्टी आईडी के लिए पार्षद ने जो भी कंप्लेन हमारे सामने रखी है, सभी अधिकारियों सभी पार्षद वहाँ आज मौजूद थे, नगर परिषद में जो मीटिंग ली गई, ईओ जेई एम ई बी आई भी वहीं पर उनकी प्रेजेंस में मीटिंग ली गई और उनको सख्ती से कहा गया है कि पार्षदों ने जो भी अपने वार्ड की कंप्लेन रखी है उसमें विजिट किया जाए, उनके कंफ्यूजन को जल्दी ठीक किया जाए।
स्ट्रीट लाइट की बात भी आई है। हाँ, स्ट्रीट लाइट के लिए भी हम, क्योंकि लाइट अभी पीछे से आई नहीं है, कुछ वार्डो में लाइट लगा दी गई है, लेकिन कुछ वार्डो में कम्प्लेन है कि लाइट चोरी हो गई है, लगाने के बाद साथ ही साथ उतार ली गई है। हम उसके लिए भी बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, उसे ठीक करेंगे। बंदरों का आतंक भी, बंदर भी बहुत हो रहे हैं वार्डो में, इसके लिए हमने टेंडर लगाया, तो टेंडर खुल चुका है और जल्द से इसी वीक उस पर काम शुरू हो जाएगा।